एडवर्टीज के हिसाब से आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे कि आपका बजट 30,000 के आसपास है और आप एक बढ़िया और तगड़ा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जिसमें आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकें, बढ़िया पिक्चर्स क्लिक कर सकें, साथ ही नेटफ्लिक्स पर HD कंटेंट देख सकें, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। हम इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं 5 ऐसे बेहतरीन स्मार्टफोन जो आपके नीड के अकॉर्डिंग आपके लिए काफ़ी वर्दी होंगे, साथ ही हर चीज़ आपके लिए काफ़ी वर्दी है जो कि चैनल का मस्ट टेकिंग सब्सक्राइब बटन। तो वीडियो को जरूर लास्ट से देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको लगता है कि चैनल छोटा है, इसमें आपको उतनी खासी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। बड़े यूट्यूबर्स एंड एक्सपर्ट्स के रिसर्च के बेसिस पर हम ऐसे वीडियो आपके लिए लाते हैं। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो टॉप 5 पर आता है पोको F4 5G। पोको एक्चुअली Xiaomi का ही सब ब्रांड है। इसमें डिस्प्ले में आपको 6.6 इंच का सुपर एमोलेड स्क्रीन का सपोर्ट मिल जाता है, साथ ही 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ HDR+10 का भी सपोर्ट इसमें आपको मिल जाता है। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 सामने की तरफ देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसर की बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 870 वाला 5G चिपसेट देखने को मिल जाता है इसमें आपको, जो कि काफ़ी पावरफुल एफिशिएंट वाला प्रोसेसर है। इसमें आप BGMI या फ्री फायर जैसे गेम हाईली सेटिंग में आराम से खेल सकते हैं। बात करें बैटरी की, इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी के साथ 67 वाट का सुपर सोनिक चार्जर मिल जाता है। आजकल ऐसे फास्ट चार्जर कहने से काम नहीं बनता, सुपर सोनिक हाइपर फास्ट वोक अल्ट्रा चार्जर कहना पड़ता है, ऐसे बड़े बड़े नाम बोलने पड़ते हैं ताकि बड़े बड़े नाम बोलने से इनका प्रमोशन हो जाता है। ऑल्दो इसमें आपको पीछे की तरफ 3 बड़े बड़े कैमरा देखने को मिल जाते हैं, जो कि प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है। 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको सेल्फी के लिए मिल जाएगा। पिक्चर क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है। इस कैमरे से आप 4K तक की वीडियो आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। 6128 वाला वेरिएंट आपको 27,999 रुपये के आसपास पड़ जाएगा। 2 साल की वारंटी मिल जाती है, साथ ही 2 साल का इसमें आपको सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिलता रहेगा। आउट ऑफ द बॉक्स ये आपको एंड्रॉइड 12 के साथ देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, जो कि iQOO Neo 6। iQOO एक्चुअली वीवो का ही सब ब्रांड है। इस स्मार्टफोन में आपको 6.6 इंच का सुपर एमोलेड स्क्रीन का सपोर्ट मिल जाता है, साथ ही 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ HDR+10 का भी सपोर्ट मिल जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स ये आपको एंड्रॉइड 12 पर बेस्ड मिलेगा। 2 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट आपको इसमें मिलता रहेगा। एमोलेड स्क्रीन होने के कारण फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इन डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी कूल लगता है और फ्यूचरिस्टिक लगता है। कैमरा की बात करें जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 16 मेगापिक्सल का AI सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। मोस्टली iQOO के फ़ोन प्रोसेसर के लिए और गेमिंग के लिए जाने जाते हैं। इस स्मार्टफोन के कैमरा से आप अच्छी खासी फोटोग्राफी कर सकते हैं। प्रोसेसर की बात करें जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 870 वाला चिपसेट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ये मिड रेंज का सबसे पावरफुल चिपसेट है। इसमें आप अच्छी खासी प्रो लेवल की गेमिंग कर सकते हैं और आपको डे टू डे यूसेज में मक्खन की तरह लगेगा फ़ोन। और डिज़ाइन की बात करें तो ये आपको फ्लैगशिप लेवल का एक एक्सपीरियंस देने वाला है। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपको 30,000 का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आपको एकदम फ्लैगशिप लेवल का फील आएगा। बैटरी इसमें आपको 4700 mAh की मिलती है, 5000 mAh की नहीं मिलती है, बट इसमें आपको 80 वाट का काफ़ी फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी फास्ट है। LPDDR4X RAM का सपोर्ट मिल जाता है, साथ ही UFS 3.1 का स्टोरेज का सपोर्ट मिल जाता है। प्राइसिंग की बात करें तो 8128 वाला वेरिएंट आपको 29,990 रुपये के आसपास मिल जाएगा। गेमिंग के लिए इससे बढ़िया स्मार्टफोन आपको नहीं मिलने वाला, आप इसे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इसमें नंबर 3 पर जो है वो स्पेशली एक ब्रांड के लिए है। लोग बोलते हैं ना ब्रांड डजंट मैटर, नो ब्रो, एक्चुअली ब्रांड ही मैटर करता है, जो कि सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी A52S 5G। सैमसंग मोस्टली अपने कैमरा और डिस्प्ले के लिए जाने जाते हैं। डिस्प्ले इसमें आपको 6.5 इंच का सुपर एमोलेड स्क्रीन का सपोर्ट मिल जाता है, साथ ही 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 3 साल का इसमें आपको सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिल जाएगा। OLED प्लेटफॉर्म पर कंटेंट देखने का मज़ा इस डिस्प्ले से दुगना हो जाता है। इसकी डिस्प्ले काफ़ी पंची और ब्राइट है। बात करें कैमरा सेटअप की, इसमें आपको पीछे की तरफ 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का माइक्रो डेप्थ कैमरा देखने को मिल जाता है। फ्रंट में इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का AI सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। सैमसंग के कैमरे से क्लिक की गई फोटो और दूसरे स्मार्टफोन से क्लिक की गई फोटो, दोनों में फ़र्क होता है। सैमसंग क्या डालते हैं उसमें, बात करते हैं प्रोसेसर की, जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 778 वाला 5G चिपसेट देखने को मिल जाता है। ये चिपसेट ट्रायल एंड टेस्टेड है, बहुत सारे फ़ोनों में ये चिपसेट देखने को मिल जाएगा। गेमिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। प्राइसिंग की बात करें तो 8128 वाला वेरिएंट आपको 28,800 के आसपास आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले स्मार्टफोन की तरफ, जो कि OnePlus तरफ से OnePlus Nord 2T 5G। इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले 6.4 इंच की सुपर एमोलेड स्क्रीन के साथ आता है। गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोसेसर मिल जाएगा। 90 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ HDR+10 का भी सपोर्ट मिल जाता है। बात करें कैमरा सेटअप की, इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जो कि प्राइमरी कैमरा 15 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी के साथ 80 वाट का सुपर वूक फास्ट चार्जर मिल जाता है। यार फिर से वही बड़े बड़े नाम।
बात करें परफॉर्मेंस की, तो इसमें आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1300 देखने को मिल जाएगा। ये प्रोसेसर एक्चुअली कुलकम स्नैपड्रैगन के 870 से बेहतर परफॉर्मेंस निकाल कर आपको दे देगा। बीजीएमआई और फ्री फायर जैसा गेम आप हाइयर सेटिंग में आसान से खेल सकते हैं, कोई लैग नहीं, कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं। ओहो, अब मैं भी प्रो बनूंगा, बॉट्स मारूंगा, केडी बढ़ाऊंगा, मजा कर रहा हूं, प्रो प्लेयर बनूंगा, प्रो प्लेयर्स को मारूंगा। LPDDR4X RAM देखने को मिल जाएगा, UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आता है ये। बात करें प्राइसिंग की, तो 8128 वाला वेरिएंट आपको 28,999 रुपये के आसपास पड़ जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। इस प्राइस पॉइंट पर ये काफ़ी तगड़ा स्मार्टफोन निकल कर आ जाता। तो बढ़ते हैं लिस्ट नंबर वन की तरफ, जो कि मोटोरोला की तरफ से मोटो S30 5G। इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले बाकी सभी स्मार्टफोन डिस्प्ले से काफ़ी बेहतर है। इसमें आपको 6.5 इंच का OLED स्क्रीन देखने को मिल जाता है, जो कि 144 हर्ट्ज़ के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आता है। फ़ोन काफ़ी लाइटवेट एंड स्लिम है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 778G प्लस वाला चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि 778G से थोड़ा एडवांस वर्जन है। इस टाइम आपको इसमें जरा सा भी हीट महसूस नहीं होने वाला। कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें आपको रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाएगा। साथ ही 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा भी इसमें आपको सपोर्ट मिल जाता है। फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का ASLP कैमरा देखने को मिल जाएगा। और साथ ही पिक्चर क्वालिटी की बात करें, इसमें आपको टॉप लेवल की पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है ये फ़ोन, नो एड्स वगैरह, तो फोन चलाने का एक्सपीरियंस दो गुना हो जाता है। बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी नहीं मिलती, इसमें आपको 4200 mAh की बैटरी के साथ 33W का चार्जर मिल जाता है। मानता हूँ थोड़ी कम है, बट एक दिन आपको आराम से निकाल के दे देगी। साथ ही 2 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। प्राइसिंग की बात करें तो 8128 वाला वेरिएंट आपको 29,999 का रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। इसी के साथ ये काफ़ी बढ़िया पैकेज निकल कर आ जाता है। तो गाइस, ये थे टॉप का बेस्ट स्मार्टफोन अगर 30,000। तो वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव या हेल्पफुल लगे तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। बाय।